नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज आप तक। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल नेशनल न्यूज आप तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाली बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको खबरों की ताजा अपडेट मिलती रहे। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की अगुवाई में मंगलवार को सैकड़ों वाहन काफिले के साथ कुंडा बेती स्थित राजभवन कोठी से एक दिवसीय जनसेवा संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। राजभवन से निकलने के बाद राजा भैया सबसे पहले परिसर स्थित हनुमान जी का दर्शन पूजन किया, जहां पर आचार्य देवव्रत जी महाराज द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कराया गया। यह जनसंकल्प सेवा यात्रा बेती कोठी से निकलकर प्रतापगढ़ सुल्तानपुर फैजाबाद वाया अयोध्या तक जाएगी, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलला भगवान श्री राम का दर्शन पूजन करते हुए उनका आशीर्वाद लेंगे। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने कहा कि COVID-19 के कारण पूरा देश संकट के दौर से गुजर रहा था, जिसके कारण जनसंकल्प अभियान नहीं हो सका। देश ने भारी कीमत चुकाने के बाद COVID-19 महामारी से लगभग मुक्ति पा ली है। अब पार्टी जनसंपर्क अभियान तेज किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत अयोध्या भगवान श्री राम के दर्शन पूजन के बाद होगी। अयोध्या हमेशा से राजनीति का अखाड़ा रहा है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि वह हमारे लिए राजनीति का अखाड़ा नहीं रहा, वह हमारे आराध्य का स्थान है। प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं। हम हर कार्य की शुरुआत उनके आशीर्वाद लेने के बाद शुरू करते हैं, जिसके बाद वह एक लंबे वाहन काफिले के साथ अयोध्या के लिए रवाना हो गए। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ जमा रही, समर्थक जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। अब आइए आपको सुनाते हैं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने जनसेवा संकल्प यात्रा शुभारंभ से पूर्व मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है। महाराज, ये संकल्प यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या है? पार्टी की नीतियों, पार्टी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना और सभी समर्थकों से, सभी पार्टी के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से भेंट करना, आगे के लिए 2022 के चुनाव के लिए रणनीति। आज से मान लें कि आज से इस जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की 2022 चुनाव अभियान ये शुरू हो गया। चुनाव अभियान तो पहले से ही शुरू था, लेकिन कोविड के कारण, महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण जनसंपर्क संभव नहीं था, रैलियां संभव नहीं थी, जनसभाएं नहीं हो सकती थी। तो अब ये अवसर आया है, लॉकडाउन खत्म हुआ है, इस महामारी से हमारे प्रदेश को, हमारे देश को निजात मिली है, तो इसलिए जी शुरुआत प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर के कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अयोध्या हमेशा एक राजनीतिक अखाड़ा रहा है, आपके लिए क्या रहा अयोध्या? हमारे लिए कभी भी अयोध्या राजनीतिक अखाड़ा नहीं रहा है, हमारे इष्ट का आवास है, धाम है, और उनके आशीर्वाद से जो भी काम किया जाता है वो सदैव सफल होता है, मंगल होता है।